Good morning everyone. Welcome to Shri Artist. This is Randhir Pratap Singh. And this is Komal Singh Sira. हमें दिल्ली में रहते हुए काफी टाइम हो गया. काफी ज़्यादा टाइम हो गया. So now it's time for us to start our Delhi to Mumbai ride. So let's begin. I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira. We are theatre artists with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the stray artists. वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन. सुबह के 8 बज रहे हैं एंड राइट नाउ वी आर इन द दिल्ली एम्बेसी एरिया और इस टाइम हम जा रहे हैं ग्वालियर की तरफ, जिसका टोटल डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 318 किलोमीटर. उसका राइट टाइम है 6 hours 30 minutes. दोपहर के 2 बजे तक ग्वालियर पहुँच सकते हैं अगर हम कोई ब्रेक ना लें, विच इज़ इम्पॉसिबल. तो ब्रेक्स ऐड करके हम शाम के 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे ग्वालियर. और हमने थोड़ा सा चेंज करा है, मथुरा वृंदावन हाईवे नहीं लेंगे इस बार ग्वालियर जाने के लिए, हम यमुना एक्सप्रेसवे से जाएंगे, क्योंकि मेरे को और कोमल को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. और हमने क्योंकि उस रूट से पहले मथुरा वृंदावन आगरा कवर किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ जाकर हमारी वो सीरीज चेक करो, आपको बहुत अच्छी लगेगी और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हमारी ट्रैवल सीरीज़ है. एंड कोमल और मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है वो. तो हमारे को थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी उस हाईवे से अटैच्ड है, तो बस इसी वजह से हमने वो हाईवे पिक करा है एंड हम वहीं से जाना चाहते हैं. वहाँ से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, विच इज़ ऑल राइट बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज विद अस. एंड हमें टाइम से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इतना स्पीड में जाने का भी मज़ा नहीं आता. वी प्रेफर कि हम उस पूरी राइड को, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए जाए, रादर देन सिर्फ भगाते रहे. तो इसीलिए हम एज यूजुअल अपने गॉड से प्रे करेंगे कि वो हमारा ध्यान रखे, हमारी बाइक का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली और बिल्कुल साउंडली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा सा कंटेंट क्यूरेट करें, ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि आप लोग हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं. अब बॉम्बे से काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है और मैं इतने दिन से दिल्ली में था, तो अब मेरे को छोड़ के जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. मेरा मूड और मेरी एनर्जी दोनों काफ़ी लो रखी है इस टाइम, विच इज़ ऑल राइट. शायद दिन के साथ साथ वो भी रिचार्ज हो जाए इस सनलाइट से. आई नेवर फील गुड वेन एवर आई लीव दिल्ली. ये आ गए हम बारापुल्ला पर और ये कोमल का फेवरेट फ्लाई ओवर है, क्योंकि जब वो नई नई दिल्ली में आई थी तो उसको किसी ने बस यही एक पुल का नाम बताया था, तो उसको एक ही फ्लाईओवर का नाम पता है कि बारापुल्ला. तो कोमल का ये फर्स्ट नोन रोड था, मतलब वो सबसे पहले इसी पे ही घूमी है, तो उसका बहुत फेवरेट ये फ्लाईओवर है. इसके बाद सीधा नोएडा लग जाएगा, नोएडा स्टार्ट हो जाएगा. तो बस अब देखते हैं हमारी इस बार की राइड कैसी होने वाली है. मज़ा आएगा इस बार, हम थोड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने यूजुअल राजस्थान वाला रूट नहीं लिया है मुंबई जाने के लिए. इस बार हमने मध्य प्रदेश वाले रूट से जाने का सोचा. हम पहले यहाँ से ग्वालियर जाएंगे, फिर हम शायद इंदौर जाएंगे, फिर हम धूले होते हुए, नासिक होते हुए बॉम्बे जाएंगे. तो हमने ये वाला रूट कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो इसके लिए भी मज़ा आएगा, नई नई सिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे. तो चलो देखते हैं ये राइड कैसी होती है. वी आर रियली एक्साइटेड. I may not sound like I'm excited right now, but I am. Apparently, yes, I am. अभी थोड़ा लो रखा क्योंकि एनर्जी मेरी और मेरी दिल्ली छोड़ने की जो फील है वो हमेशा मेरे को सैड कर देती है. मैंने मैं काफ़ी टाइम तक दिल्ली वापस नहीं आऊँगा, तो ये भी सारी बातें जुड़ जाती हैं इसके साथ. कोमल का भी मूड ज़्यादा अच्छा नहीं है इस टाइम. लाइफ गोज ऑन. इस टाइम हम हैं D&D फ्लाईवे पे और अब आने वाली है यमुना. मेन रोड पे D&D के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है, मुझे अंदर आना पड़ा पूरा घूम फिर के जाम में, पसीने से भीग गए हम. ये सेक्टर 18 के पेट्रोल पंप पे आए हम. सर फुल कर दो. नोएडा इज़ वेरी 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 क्लोज टू अस. मैं नोएडा भी बहुत ज़्यादा पसंद है जितना दिल्ली पसंद है. पहले मुझे गुड़गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब हम जब से गुड़गांव में कोमल रहने लग गई तो उसके बाद से मुझे गुड़गांव भी थोड़ा ठीक लगने लग गया, बट मेरे को स्टिल नोएडा मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहेगा. तो हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाईवे है, टारमैक का बना हुआ हाईवे है. आप इस रोड पर जब भी आएँ, आप अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, अपने टायर्स में नाइट्रोजन हवा डलवा कर आएँ, क्योंकि इस रोड पर
सबसे ज़्यादा जो कैलामिटीज और एक्सीडेंट्स हुए हैं वो कैटास्ट्रोफिक डिफ्लेशन की वजह से हुए हैं, जिसका मतलब है कि टायर फटने की वजह से हुए हैं, और या फिर धुंध में जब बहुत ज़्यादा आगे विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये हाईवे बहुत लंबा है, ऐसा ही ये चलता जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा मोड़ और कट और बेंड्स नहीं है, बट ये है कि आप इससे आप डिस्टेंस सबसे फास्ट कवर कर सकते हो। इस हाईवे पे बाइक का टोल कटता है, ये टोल लाइन बड़ी कम चौड़ी है यार, मेरी बाइक घुस भी पाएगी इसमें? घुस गई बिना कुछ टच करे। टू व्हीलर का अलीगढ़ तक का 60 रुपीज़, मथुरा तक का 135 और आगरा का 205 रुपये। मैं आगरा तक का कटाता हूँ, पता नहीं आगरा तक जाना पड़े या मथुरा तक, मथुरा से ही वरना एग्जिट करना पड़ेगा अगर कम का कटवा लिया तो। सिंगल? हाँ जी। चलो थैंक यू। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, इस पर एयरप्लेन को लैंड कराकर उसको टेक ऑफ कराया गया था कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन में ये एक्सप्रेस वे यूज़ करा जा सकता है कि नहीं। इस पर प्रॉपर एक कमर्शियल एयरलाइनर नहीं लैंड कराया गया था, इस पर फाइटर जेट को लैंड कराया गया था, और उसके थोड़ी देर बाद उसने टेक ऑफ भी कर लिया था इसी पर से, और उसकी वीडियो यूट्यूब पर भी आप चेक कर सकते हो। वो फाइटर प्लेन आया, जूम लैंड किया, थोड़ी देर वेट किया, फिर उसने आगे से टेक ऑफ कर लिया। यहाँ पर जवाहर है, जवाहर में एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टियों में बहुत ही ज़्यादा उन्नति हो गई है। हेलो भाई। अरे भाई, इतनी देर धूप में सफ़र करने के बाद अब हमें खाना नसीब हुआ है। मैंने तो अपना ऑर्डर कर लिया सब्वे, रणधीर के लिए हम वेट कर रहे हैं, हमारा 181 नंबर है। नहीं नहीं, ये तो ऐसे टेबल नंबर नहीं नहीं है, मैं बता दूँ 181 नंबर है। जब हम बॉम्बे टू दिल्ली आए थे तब हमने जब यही सेम अटायर पहन के राइड किया था, मतलब तब मुझे इतनी गर्मी पता नहीं लग रही थी, बट आज मैं वहाँ से निकला हूँ, मुझे ग्रेटर नोएडा पे हुआ कि मुझे नहीं करनी राइड। पहली बार आज हुआ है मेरे को कि मेरे को था कि मेरे से बाइक नहीं चल रही, मैंने चलाती 70 किलोमीटर बाद ही कोमल को दी थी, मेरे का मेरे से नहीं चल रही तू चला ले बाइक। अनबेरेबल हीट है बार, अनबेरेबल राइड करने का तो आप सोचना भी मत कि इस टाइम तुम आके राइड कर लोगे। कोमल डोसा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कहानी को बीच में रोकते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फिर कहानी को बाद में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, धूप चढ़ चुकी है, हम सनक चुके हैं, बस थोड़ी सी अपनी सेंसेस को काम करके फिर से आपको मिलते हैं। खिचा। अब मैं आपको असली कहानी सुनाती हूँ, असली कहानी और असली बात ये है कि रणधीर, वैसे तो जब भी हमें ट्रिप पर जाना होता है रणधीर 3 बजे उठ के खड़ा हो जाता है कि चलो ट्रिप पर चले, और मेरा उठा दे रहा था उठ उठ उठ। आज उल्टा हुआ, आज मैंने कहा कि रणधीर उठ जा, तो ये सोया हुआ, ये एक्टिंग कर रहा था कि ना इसको नींद आई है, इससे उठा नहीं जा रहा। 4 बार अलार्म बज गए, इसने उठ के बंद की, ये उठा नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमें घर से वापस मुंबई जाना था, तो हमें घर से जाने का मन नहीं करता ना, डबल थॉट्स भी आ रहे थे, हम सोचते थे कि छोड़ो क्या ड्रीम्स फॉलो करने, यूट्यूब करो, फैमिली के साथ खुश रहो, दिल्ली में अपने घर में रहो, लेकिन जाना पड़ता है, रोड पे आना पड़ता है। फिर हम सोचते थे कि चलो हम भी जैसे बाकी सारे लोग बाय रेल चले जाते हैं, बाय प्लेन चले जाते हैं, तो हम भी चले जाते हैं, लेकिन हमें बाबा जी ने मौका दिया कि हम बाइक से अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, मुंबई जाके हम उनको पूरा करें, इसलिए बाबा जी ने हमें मुंबई भी भेज दिया। तो इसलिए हम थोड़े से उदास थे, बात इतनी सी है। और आज रणधीर का भी मन नहीं कर रहा गाड़ी चलाने का, इसीलिए क्योंकि उसको घर से जाना पड़ रहा है दूर। ये हमारी पहली राइड है जब हम घर से मतलब बाय कह के निकलेंगे और फिर हम वापस नहीं आएंगे कई दिन तक, वरना हम ट्रेन से गए थे, प्लेन से गए थे, क्रेन से भी गए थे, लेकिन इस बार हम अपनी बाइक से अपने घर वालों को बाय करके आए हैं। रणधीर कह रहा अभी भी चांस है, मथुरा ही आया है, यू टर्न लेके चल सकते हैं वापस, बताओ क्या करें। हेलो हेलो, बोलो क्या करना है, यू टर्न ले कि नहीं? नहीं, यू टर्न नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं अब यहाँ से आगरा, और टोटल डिस्टेंस मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, गूगल मैप से भी 185 किलोमीटर्स बता रहा है, यहाँ से हम जाएंगे अभी यमुना एक्सप्रेस वे पर ही रहेंगे। मेरे वाला गूगल मैप्स कह रहा है कि मथुरा से यमुना एक्सप्रेस वे को एग्जिट कर दो, वो फास्टेस्ट रूट है। कोमल का फ़ोन कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे से लो, तो हम कोमल का फ़ोन से जाएंगे क्योंकि लेडीज़ आर ऑलवेज राइट। 3.5 घंटे 4 घंटे की राइड बता रहा है, चलते हैं, गर्मी में भगवान ने थोड़ी सी हम पे दया कर ली, मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया। मैं तो एसी में बैठा हूँ, मुझे तब भी पसीने आ जा रहे हैं यार, बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। ये रहा रणधीर, और वो रही हमारी ब्लैक बार, वो खड़ी आ रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। रणधीर हंस रहा है सुन के कि मैंने इसका हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों बोला। अब हम वापस चल चुके हैं मथुरा से, हम मथुरा के टोल पर रुके थे कुछ खाने पीने के लिए,
और हमें अभी बड़ी हैप्पी स्पिरिट वाली एक आंटी मिली जो हमें देख के बहुत खुश थी कि हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड से भी हमें मिलवाया और वो हमसे कई देर बातें करती रही। उनको इतना अच्छा लग रहा था कि कोई वुमेन ड्राइवर है। वो अलाहाबाद की रहने वाली लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और वो दिल्ली में भी केसेस लड़ने आती रहती हैं। वो देख के हमें इतनी खुश थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से भी हमें मिलवाया। वो भी मतलब उन दोनों की जोड़ी जो थी ना वो बहुत मस्त जोड़ी थी, मतलब एक दूसरे से इंस्पायर्ड जोड़ी हमें लग रहा था कि वो ऐसे खुश रहते हैं, उनको भी ट्रैवलिंग पसंद है। पर वो लॉयर हैं तो मतलब वो इतना नहीं कर पाते, लेकिन वो उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हमें भी उनसे मिलके बहुत हैप्पी फील हुआ। वो कहते कि हमने तुम दोनों को देख लिया तो अब हम दोनों बूढ़ों में भी थोड़ी सी जान आ गई है, अब हम भी जोश में जाएंगे यहाँ से आगे इलाहाबाद। हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुनकर, हमें बहुत हंसी भी आई। लेकिन ऐसे लोगों से जिनको हमें देख के ऐसे अच्छा लगता है, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इन सब से मिलके, क्योंकि वो हमें भी एक हैप्पी स्पिरिट डाल देते हैं। तो उन लोगों को थैंक यू। कहने को मैं इंसान था, रूह बंदी और खाली जज्बात था, भुला कर खुद को इस दुनिया में खोया हूँ। बस कुछ ऐसा सा ही मेरा अफसाना था, एक कैद परिंदे सा मेरा मिजाज था। कितने वक्त से मैं खुद से निराश था, आखिर कब तक यूं ही जीता रहूं, इस खाली जिंदगी का अब मैं क्या करूं। अब इस भीड़ से मुझको निकलना है, ना कुछ सुनना ना कुछ कहना है। एक उम्मीद भरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है, ये खाली सड़कें मुझे पुकार रही हैं। ये बेड़ियां तोड़कर कहीं दूर मैं निकला था, एक अनजान सफर पर खुद को ढूंढने मैं निकला था। आसमान को छूना एक सच सा लग रहा था, आखिर अब मैं आजाद सा लग रहा था। बारिश हो रही है, हल्की हल्की फुहारे पड़ रहे हैं, धूप चली गई। अब मुझे लगता है हमें रुक के थोड़े से हमारे लाइनर्स पहनने पड़ेंगे। ओह शिट, हमारे तो ऊपर भी रेन लाइनर नहीं लगा हुआ और नीचे भी रेन लाइनर नहीं लगा हुआ, हम शायद भीग सकते हैं। वाह, हम इतनी देर से धूप में तड़प रहे थे, अब ये बारिश आई है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं रेन लाइनर पहनूं, मुझे लग रहा है कि हाँ भीगता हूँ तो भीगने दो। वाह, थैंक यू भगवान जी, नेचर ने हमारी पुकार सुन ली और हमें बहुत तेज बारिश दे दी। ओहो, हम तो भीगते हुए जा रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। वाव, राइज एंड शाइन दोस्तों, अब ब्लैक बादल हट चुके हैं, बारिश से हम भीग चुके हैं, हमारे पैर भी चपचप हो रहे हैं, हमारी पैंट्स भी चपचप हो रही हैं। ये ठीक है क्योंकि मैश है, ये चपचप नहीं हो रही है। लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अब हवा अच्छी चल रही है। देखो कैसा सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई बादलों का तूफान आ रहा है, ऐसा लग रहा है। वाव, वहाँ तो बहुत तेज बारिश होगी। अब हम इस बादलों के तूफान से लेंगे यहाँ से एक लेफ्ट टर्न, वो जो घूम के जाएगा उधर को, वहाँ तो बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तेज। हम भी बहुत तेज बारिश आए, जब हम वहाँ जहाँ पे एंटर किए थे वहाँ पे भी ऐसा ही काला बादल हो रहा था। व्हाट, और ये देखो इतनी बड़ी यमुना नदी, वो रहा आगरा फोर्ट बहुत दूर जो हमने लास्ट टाइम विजिट किया था। वेलकम टू द सिटी ऑफ ताजमहल, द सिटी ऑफ आगरा। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगरा भी वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस है और इसमें ये रेड कलर बहुत चलता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेड कलर की बिल्डिंग्स देखी हमने इस वाले इलाके में, जैसे कि हमने जैसलमेर में गोल्डन कलर देखा था, यहाँ पे रेड कलर ज्यादा है। वो रहा ताजमहल, देख लो दोस्तों, जिन्होंने हमारे आगरा वाले ब्लॉग में ताजमहल नहीं देखा वो यहाँ से देख सकते हो, लेकिन उसमें डिटेल ब्लॉग है तो आप जाके जरूर देखना, वरना अभी देख लो छोटा सा ताजमहल अभी देख लो। और ये है ब्यूटीफुल आगरा फोर्ट। जब हम विजिट करने आए थे तो हमें आगरा फोर्ट ताजमहल से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। आप भी हमें व्लॉग्स में देख के बताओ कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा था, आगरा फोर्ट या फिर ताजमहल। ग्वालियर सीधा, हम
चुके हैं ग्वालियर रोड पे। अब इसी रोड पे हमें 80 किलोमीटर्स और चलना है। हमें आगरा के अच्छा लगा, हमारी जो पुरानी व्लॉग्स की फीलिंग थी वो वापस आ गई, जो हमारे पहले यहाँ पे विजिट किया था वो वापस आ गया, हमें याद आ गया, अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये प्लेस भी हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम आगरा विजिट किया था तब हमने माइल्स ऑन बाइक की सिर्फ स्टार्ट हुई थी, तब हम चीज़ें लर्न कर रहे थे, तब चीज़ें हमारे लिए न्यू थी कि हमें कैसे व्लॉग करना था, वो सब न्यू था, हम न्यू एक्सपीरियंस ले रहे थे, इस जगह को देख रहे थे, तो वो व्लॉग्स भी स्पेशल हैं और ये जगह हमारे लिए स्पेशल है। सिप्पी बार मेरी दीदी का नाम सिप्पी है, सिप्पी ने बार खोला हुआ, बताया नहीं। अभी हमने जस्ट धौलपुर क्रॉस किया है और उसके बाद ये क्या मस्त जगह आ गई है। यहाँ नदी बह रही है और वो इतना ज्यादा सुंदर, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, मैं क्या बताऊं। तो दिल्ली से ग्वालियर का डिस्टेंस आज जो हमने कवर किया है वो है अराउंड 330 टू 340 किलोमीटर। ग्वालियर एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है एंड इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो सिटी के बाहर से भी दिख रही हैं, स्पेशली जो ग्वालियर फोर्ट है। तो आओ जल्दी से सिटी के अंदर चलते हैं क्योंकि अब हमसे वेट नहीं हो रहा। हम फाइनली ग्वालियर एंटर कर चुके हैं दोस्तों। मौसम इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन हम पूरे के पूरे भीग चुके हैं। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे सीनिक व्यू से और बहुत अच्छे अच्छे सीनिक रूट से अपनी जर्नी को कम्प्लीट किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हेयर। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। आज की राइड बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इसमें धूप थी, इसमें मिट्टी थी, इसमें बारिशें थी एंड हम पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक गीले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हमारे शूज़ भीग चुके हैं, हमारी जैकेट भीग चुकी है, हमारी अंदर की टी शर्ट भीग चुकी है, हमारे बैग्स भीग चुके हैं, सब कुछ हमारा भीग चुका है। लेकिन अब वक्त है रेस्ट करने का, हम जल्दी से अपने होटल चलते हैं एंड इस ब्यूटीफुल ग्वालियर को फिर आराम से फ्रेश होकर घूमते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्वालियर देखने से बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड हम इसे बिना घूमे जाना नहीं चाहते। दोस्तों अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ अपना रूम टूर। हमने ये रूम बुक करा है, हमने एक्चुअली बुक कुछ और किया था और हमें अब ये मिल गया है। धोखा। ये रहा हमारा गियर और ये सब कुछ गीला है, इंक्लूडिंग हमारे पैर, हमारी जीन्स, हमारी जैकेट। हम आपको अपनी शक्लें नहीं दिखा सकते वरना आपको बहुत दुख होगा कि आप किन लोगों को फॉलो करते हो। तो ना कर आपको सीधा मिलते हैं। हाय दोस्तों, हम फ्रेश हो चुके हैं लेकिन हम अब भी बहुत ज्यादा भूखे हैं क्योंकि हमने सुबह खाया था। तो अभी क्या अच्छा मिलेगा, अभी जब हम आ रहे थे तो हमने ना डोमिनोज देख लिया था, तो अभी हम सोच रहे हैं वहीं चले जाते हैं। क्योंकि देखो बाहर जाओगे नए शहर में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, उतनी देर में भूख बहुत ज्यादा लग जाएगी, तो इसलिए वेट नहीं होता। हमने आते हुए डोमिनोज देख लिया था इसलिए हम डोमिनोज। Thank you.
हम लोगों ने खाना खा लिया है ना, हम वापस अपने होटल में आ चुके हैं और आज की राइड हमारी कंप्लीट हुई। लेकिन आज की राइड हमारी थोड़ी सी मुश्किल भरी हुई क्योंकि हमें धूप ने, पानी ने, गर्मी ने बहुत ज्यादा तंग किया। हम बहुत ज्यादा थक गए थे, उसकी वजह से हमारी थकान हमारे मुंह पर दिख रही होगी आपको ऑब्वियसली। तो अब हम ग्वालियर आ चुके हैं और ग्वालियर को फर्स्ट साइड में देखकर सिर्फ ये पता लगता है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सारी पढ़ाई यहीं हो रही है। बहुत स्टूडेंट्स हैं, हम जब से दिखे हमें स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, हमें बूढ़े लोग, हमें जवान लोग, हमें अंकल आंटी नहीं दिखे, स्टूडेंट्स ही दिखे। घुसते ही रेड लाइट पे भी स्टूडेंट ही खड़े थे, नहीं मजाक कर रहा हूँ, पुलिस वाले खड़े थे। कल के लिए हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा है, तो उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए। वीडियो आपको अगर हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को जाकर लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करते नहीं हो एंड प्लीज बेल आइकन दबा देना। Ding 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 ding. Where do we go now?